ये वो मॉलिक्यूल है जो एंटीऑक्सीडेंट, ये किसको पकड़ेंगे? OH को, फ्री रेडिकल्स। इसको फ्री रेडिकल्स को पकड़ के क्या बना देंगे? पानी, पानी बना देंगे। क्या बना देंगे? पानी। पानी कहां से निकल जाएगा? समझ में आ गई बात? आपको इसको देखना नहीं है कि कितने टाइम लगाना है। इसमें माइक्रो सेंसर लगा हुआ है, जैसे इसमें सफिशियंट हाइड्रोजन हो जाएगी ये ऑटोमेटिकली आवाज करेगा, जैसे करता ना इंडिकेटर डीप की आवाज करता है, टी टी आवाज करेगा। आप इसको खोलकर फिर पी सकते हैं इस पानी को, राइट। इसमें अलग अलग तरह की लाइट जलती रहेगी, ये बबल्स आपको दिखते रहे। ये लाइट का है, कलर बदल रहा है। हाँ जी, ये इसमें लगा हुआ है लाइट का मेन जो है ना, मेन ये है जो इसके बबल्स जा रहे हैं, राइट। ये हाइड्रोजन दिख रहा है ताकि आपको हर एंगल से हर लाइट का वेवलेंथ अलग होता है। ये ऑटोमेटिक एक से एक बल्ब जलते रहे, बराबर। आपको कुछ नहीं करना, आपको पानी डाल के, राइट। अभी मैं एक बार जब खत्म कर लूंगा फिर मैं ओपन करूंगा क्वेश्चन, हो सकता है जब तक आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो जाए, राइट। लाइट बोल दीजिए, ये क्लियर है, ये 10 मिनट में अपना आप ऑन हो जाएगा। पीना कितना है दिन में? ये 3 से 4 6 बोतल 5 से 6 बोतल। कितनी? 5 से 6 बोतल। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, आपसे कोई पूछेगा तो कितना? 5 से 6 बोतल पियेंगे। एक बोतल में कितना आता है? 300 ml, बराबर है। जैसे आप नॉर्मल पानी पीते हैं वैसे ही पियेंगे। दूसरा, क्या हमें इसी कप से पीना है डायरेक्ट? बेहतर है कि आप डायरेक्ट इसी कप से, अगर आप इंडिविजुअल अपने लिए यूज कर रहे हैं तो इसी कप से पिए, अगर फैमिली के लिए यूज कर रहे हैं, डेमो के लिए कर रहे हैं, हेल्थ सेंटर पे कर रहे हैं, तो एक बर्तन दूसरा रखें, इसमें बनाए उसमें ट्रांसफर करें। लेकिन वो बर्तन मेटल का नहीं होना, या तो कांच हो या बढ़िया बीपीए फ्री प्लास्टिक हो, मोटी वाली। रिएक्शन भी कर लेगा, रिएक्शन तो नहीं, इसका असर कम हो जाए, है ना। समझ गए आप मेरी बात? आप बेहतर चीज का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो इसको एयर टाइट रखते हैं जब तक ना यूज करना हो पानी, क्योंकि खोलने के बाद धीरे 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 इसमें हाइड्रोजन निकलने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप पेप्सी को थोड़ी देर खोल के रखेंगे उसका वो गैस का लेवल कम होता है, वैसे 2 घंटे में कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे ज्यादा लेके जाएंगे तो ठीक नहीं। समझ में आई ये बात? आपके लिए सेफ है या नहीं? एयरपोर्ट पे आप इसको लेके जा सकते हैं या नहीं जा सकते? जा सकते हैं। मना करेगा तो क्या करोगे? उल्टा क्या करोगे? उल्टा दिखा देंगे। आस्तीन चढ़ाना फिर इस तरीके से, बोतल को ऐसे पकड़ना, उसको बोलना यहाँ, और उसको ऐसे दिखा देना। इधर सारे सर्टिफिकेशन लिखे हुए, नेशनल, इंटरनेशनल, यूरोपियन सर्टिफिकेशन, कि ये किसी भी जोन में सेफ है, किसी भी तरीके से इस्तेमाल